हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो मिनी ब्लॉग रे आपण मानन सहित मु उपमा शेयर करी। तो एटा होची मोर फर्स्ट मिनी ब्लॉग। तो आपण माने बहुत सारा भल पाई पाई मिनी ब्लॉग को दियंतु। तो देखंतु कौन सब आवश्यक सामग्री, तो मु देखे दउची आपण को। तो एबे कढ़ाई रे तेल पकेबा। तो तेल गरम होला पारे हमर सोरिष पकेबा। सोरिष पके सला पारे बिरी डाली आ बुटा डाली पके देबा। तो सहित हमर सुखला लंका आउ भूसम पत्र पकईदे। तो भूसम पत्र पकई सारापर तो कटा हुई पिज को भी पकेबा। तो कटा हुई पिज पकई सारापर से टे नाली कलर हो सारापर तो आम तेरे आलू को पकड़ा। तो मुझे आलु रही आज बनाऊँ। तो आप चाहिए भेजिटेबल को पकई पारे। तो आलु पकई सारापर आम तो आलुरे आवश्यक मुताबक लुण पकड़ा और टे हल्दी गुंड पकेबा। तो हाफ चमच हल्दी गुंड पकईद लुण पकईद भल भाव गोलईद। तो दस रु पंदर मिनट सीझे छाड़ दबा। तो आलुटा भल भाव सीझी सारापर तो आलु एगलाधे आम सुजी पकेबा। तो सुजी आप डायरेक्ट भी पकई पारे सेमती ना आगुरी भाजिक भी रखी भी पकई पारे। तो मुझे डायरेक्ट पकई दे तो भाजिक रखनी। तो ये भल भाव टे भाजीद सुजी को। सांग मैंने सुजी भजा मोर हो गला। तो ये पा पकेबा। तो पा आम डायरेक्ट बाउल न पकईक छिंचिक पकेबा। तो हाथ में छिंचिक पा पकेबा जमी उपमाटा आम झुरझुरी हम आलू भी सीझे आउ सुजी भी सीझीज आ बढ़िया भी लगे। तो देखते यहपर भाव आम पा की पकेबा सुजी रे। तो सांग मैंने मोर उपमा पूरा रेडी हो गला। देखु सुजी भी होगला सीझीगला आलू भी सीझीगला। तो ये आम तेरे लेंबू टिके चिपुड़ी दबा। तो फ्लेवर आहुरी बहुत बढ़िया आस। तो लेंबू टिके चिपुड़ी दबा। तापर आम सुजी उपमा शेष। तो बहुत कम टाइम रे आउ बहुत टेस्टी आइटम रेडी होगा। तो आपने निश्चिंत मो मिनी ब्लॉग को बहुत सारा भल पाइबा दिंतु। एमती घरे सुजी उपमा बनातु और खातु। भल लगे मत कमेंट बॉक्स में निश्चिंत जनइबे। तो रहुची, बाय बाय।